वर्ष में माह जुलाई 2023 तक कुल 1400 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान का व्यय किया गया है। कुपोषण एवं एनीमिया उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरक पौष्टिक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 35 लाख लाभुकों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म ताजा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का उद्घाटन किया गया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों को CBSE से संबद्ध किया गया है तथा नामांकन हेतु जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम आधारित शिक्षावर एवं विषयवार पुस्तक भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सहायक आचार्य के 26,000 पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का आरंभ किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 22 छात्रों का चयन मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के अंतर्गत तथा 3 छात्र छात्राओं का चयन चेमिंग मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के तहत किया गया है। इन छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 33 लाख छात्र छात्राओं को 724 करोड़ रुपए की राशि एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,50,000 छात्र छात्राओं को 315 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु सभी प्रमंडलों में एक नया आवासीय +2 विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधायुक्त बहुमंजिला छात्रावास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। इन छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की भी सुविधा भी उपलब्ध होगी। हमारी राज्य में की लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि से संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं। खुशहाल किसान खुशहाल झारखंड के संकल्प को अमलीजामा पहनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित में 88 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष सुखाड़ की चुनौतियां
हमारे सामने थी। इस कठिन समय में हमारी सरकार हर कदम किसान के साथ खड़ी रही। यद्यपि हमें केंद्र सरकार से अपेक्षित सहायता नहीं मिली, फिर भी राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना तथा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस वर्ष भी सुखाड़ का आहट है। सुखाड़ की स्थिति पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आगे परिस्थिति के अनुसार सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा झारखंड के लिए मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर 228 रुपए, प्रत्येक रुपए के अतिरिक्त 27 रुपए की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक कुल 3,60,000 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा करीब 7,00,000 योजनाओं पर कार्य जारी है। राज्य के सभी किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से नई योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत 1,00,000 कुआओं का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष में 50,000 कुआओं तथा